गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे मालूम है कि आप में से कई सारे लोग जो है बहुत दुखी हैं कि कल इंडिया जो है वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया क्रिकेट में। अरे, बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई भी सेक्रीफाइस की इस वर्ल्ड कप के दौरान। कई बच्चों ने मुझे जो है वो मैसेज करके बोला कि सर, हमने वर्ल्ड कप के दौरान जो है कम से कम 10-11 दिन ऐसे थे जहां हमें पढ़ने की बजाय हमने क्रिकेट को देखा, हमने स्पेशली इंडियन इनिंग को जरूर देखा हमने, और उस ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ाई में भी पीछे हो गए और हमारे को वर्ल्ड कप भी नहीं मिला। ठीक है, ईमानदारी से बताने के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच कि आपने ऑनेस्टली स्वीकार किया है कि देखो वो तो एक खेल है। एक बात क्लियर कर लूँ, ठीक है, क्या है बेटा कि हम चाहे किसी चीज़ को कितना ही पसंद क्यों ना करते हो, पर वो है एक स्पोर्ट्स। ठीक है ना, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, चाहे फुटबॉल हो। हाँ, इंडिया में क्रिकेट जो है वो बहुत गहरा बसा हुआ है क्योंकि हम लोग बचपन से वही खेल खेलते आए, देखते आए। और इंडिया में मतलब क्रिकेट जो है वो एक प्रकार से समझ लीजिए एक अलग तरह का रिलीजन है। वो लोगों को क्रिकेट क्रिकेट के नाम पे आप जोड़ सकते हो। आप देखना जितनी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो क्रिकेट के टूर्नामेंट भी करवाती हो, ठीक है, लोगों से जुड़ने के लिए। तो कई सारे लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हुए इस बात को लेके कि भैया इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो कल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और हम वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है उसका विनर बन गया। अब इसके बाद मेरे पास कई सारे मैसेज आए ऐसे जिसमें किसी ने लिखा है मैसेज में, सुबह सुबह एक मैसेज देखा मैंने, उसमें लिखा कि सर भारत की क्रिकेट टीम नेपोटिज्म का शिकार है और यहाँ पर जो है वो चर्सी और भाई भतीजावाद बहुत चल रहा है। ये तो बहुत ही गलत अप्रोच है। मतलब कल के मैच के पहले आप कुछ और बोल रहे थे, कल का एक मैच हारने के बाद आपकी पूरी भाषा बदल गई पूरी आपकी। और ऐसे 2-3 मैसेज मेरे पास इस तरह के आए, और जो मैं बोलता हूँ कि आपकी ये नेगेटिव मानसिकता का प्रतीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जीते हैं या हारे, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो, और मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या सीखने मिलता है, क्या लेसन मिलता है हमको। इंडियन क्रिकेट टीम जीती है या हारी है, अब आप बोलो नहीं सर वो तो कल, आप किसी बातें कर रहे हो, आप तो अपने मन को समझाने के लिए बातें कर रहा हूं। मैं आपको डेटा देता हूं कुछ, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम जो है इस वर्ल्ड कप में 11 में से जो है वो 10 मैच जीती है। जो मैच हारी है वो कल का फाइनल वाला मैच हारी है। हम लोग हारने की बात नहीं हम बोले तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी उसमें से हम जो है वो नंबर 2 पर है। एक नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, अभी कल के रिजल्ट के बाद में 2 नंबर पर हम आ गए, लेकिन मतलब हम रनर अप है, हम रनर अप है, हम नंबर 2 पे आ गए, ठीक है। और 2 नंबर पे आना भी जो है, जैसे टोटल इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड, 10 देशों के में, अरे दुनिया भर में इतने देश जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते वर्ल्ड कप के लिए। उन कंट्री में से हम जो है वो नंबर 2 पर है, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात, हम वो टीम है वर्ल्ड कप 2023 के दौरान जिसने जो है सिर्फ एक मैच हारा है, जिसने सिर्फ एक नॉकआउट मैच हारा है, बाकी लीग के सारे मैच जीते। और जिन लोगों ने हमको हराया उनको हमने लीग मैच में हराया, हमने सेमीफाइनल में जो है वो न्यूजीलैंड को हराया और उसके पहले भी हराया हमने। तो बात यह कि हम ये बोल सकते हैं कि कल का दिन खराब था, हम ये बोल सकते कल का दिन जो है वो अच्छा नहीं था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, पर क्रिकेट टीम अच्छी नहीं है या कोई भाई भतीजा बात है ये कहना बहुत ही गलत बात है, ठीक है। फिर दूसरा डेटा देखिए, इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर्स कौन है, 5 प्लेयर के नाम। नंबर 1 है विराट कोहली, नंबर 2 पे है रोहित शर्मा। विराट कोहली ने 765 रन बनाए इस वर्ल्ड कप में और रोहित शर्मा ने 597। नंबर 3 पे है साउथ अफ्रीका के डीकॉक, नंबर 4 पे न्यूजीलैंड के आर रविंद्र, नंबर 5 पे है डी मिचेल फ्रॉम न्यूजीलैंड। मतलब जो विश्व कप विजेता टीम है उसका एक भी बल्लेबाज टॉप 5 में नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ से विराट कोहली नंबर 1 पे है और रोहित शर्मा नंबर 2 पे। फिर हम बात करते हैं विकेट की, बात करते हैं कि बॉल की, तो बैटिंग की बात हो गई, विकेट की बात करते हैं तो पूरे जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट की उसमें नंबर 1 पे हमारा बॉलर है, इंडियन बॉलर है मोहम्मद शमी, 24 विकेट लिए। नंबर 2 पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जैम्पा है, नंबर 3 पे श्रीलंका के मधुशंका है, नंबर 4 पे कॉटजी साउथ अफ्रीका के, नंबर 5 पे फिर बुमराह है। मतलब टॉप 5 बॉलर में से 2 बॉलर इंडिया के हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेस्ट बॉलिंग फिगर, पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की, सबसे अच्छे फिगर किसके थे, जो सबसे अधिक विकेट एक पारी में किसने लिए, मोहम्मद शमी 7 विकेट लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे मोहम्मद शमी फिर से है,
पांच विकेट लिए 18 रन देके, नंबर तीन पे रविंद्र जडेजा है, नंबर चार पे मोहम्मद शामी है, मतलब पांच बॉलिंग टॉप बेस्ट बॉलिंग फिगर में से पांच में से चार इंडियन है। फिर बात करते हैं बैटिंग एवरेज की, बात करते हैं तो बैटिंग एवरेज में नंबर वन पे विराट कोहली है, नंबर दो पे जो है वो कैट विलियमसन है न्यूजीलैंड के, नंबर तीन पे केएल राहुल है, नंबर चार पर जो है वो जमान है पाकिस्तान के, नंबर पांच पे जो है वो ओमर जाई है अफगानिस्तान के। मतलब बैटिंग एवरेज में जो है टॉप फाइव खिलाड़ियों में से दो जो है वो इंडिया से, विराट कोहली और केएल राहुल। ठीक है, बॉलिंग एवरेज की बात करें तो बॉलिंग एवरेज में नंबर एक पे मोहम्मद शमी है, नंबर तीन पे बुमराह है, तो मतलब टॉप फाइव में से दो फिर से बॉलिंग एवरेज में जो है वो इंडियन है। फिर बात करते हैं सबसे अधिक 100 किसने लगाई, तो सबसे अधिक 100 लगाने वाले प्लेयर जो है नंबर एक पर है डीकॉक साउथ अफ्रीका के, नंबर दो पे है न्यूजीलैंड के आर रविंद, तीन लगाए, और विराट कोहली नंबर दो पे, विराट कोहली नंबर दो पे। ठीक है, मतलब फिर से टॉप फाइव के अंदर इंडियन। फिर बात करते हैं कि सबसे अधिक 50 किसने मारी, विराट कोहली नंबर एक पर, दो पर जो है शुभमन गिल ने 450 लगाया उन्होंने, विराट कोहली ने 650 लगाया उन्होंने। सबसे इकोनॉमिक बॉलर कौन है, आर अश्विन, बुमराह, रविंद्र जडेजा, अगेन फाइव में से तीन इंडियन। पांच विकेट किसने लिए, कितनी बार लिए, मोहम्मद शमी ने पांच विकेट तीन बार लिए, पांच विकेट या अधिक तीन बार लिए, नंबर एक पर है, नंबर दो पर रविंद्र जडेजा है। सबसे अधिक सिक्स किसने मारे इस पूरे टूर्नामेंट में, रोहित शर्मा नंबर एक पर है, नंबर दो पर जो है डेविड वार्नर है, नंबर तीन पर जो है वो श्रेयस अय्यर है जो इंडिया से है। तो श्रेयस अय्यर और जो है वो रोहित शर्मा टॉप फाइव में जो है सबसे अधिक सिक्स मारे। सबसे अधिक फोर किसने मारे, विराट कोहली नंबर एक पर, नंबर दो पर रोहित शर्मा। अब आप बताइए मेरे को ये डेट में आपको सबसे अधिक बाउंड्रीज किसने मारी इस पूरे टूर्नामेंट में, रोहित शर्मा ने 97 बाउंड्रीज लगाई, फिर है विराट कोहली 77। तो आप सोचिए, मतलब जितना भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ उस सारे डेटा में जो है वो हर जगह पे नंबर एक पे, नंबर दो पे, टॉप फाइव के अंदर इंडियंस है। चाहे रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, किसी और की बात करें, आप बताओ ये कैसी हार है, क्या हम वाकई हार गए? मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर। देखिए क्या होता है कि खेल में जीत और हार तो जो है वो टॉस के समान होती है। ठीक है, कोशिश पूरी किया, लेकिन पिछले 10 मैच में इतना अच्छा परफॉर्म किया, वो 11वें मैच में किस्मत साथ नहीं दिया, या बोले समय ठीक नहीं था, या उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, दैट मे बी पॉसिबल। तो क्या उस एक मैच से हम पूरी टीम को हम नकार सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी शुड लव अवर इंडियन क्रिकेट टीम। हम जितना उदास जो है खेल प्रेमी हुए हैं, उससे कहीं अधिक उदास जो है वो प्लेयर्स हुए। उन्होंने अपनी 2 साल से तैयारी कर थे, जी जान झोंक दिया था उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए। 10 मैच पिछले आप देख लो, उठा के आपको लगेगा कि ये इंटर क्रिकेट टीम तो जबरदस्त है, इसको कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन हार गए। अब इस पूरी चीज से हमें क्या सीख मिलती है? अब यदि हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, पहला मैच साउथ अफ्रीका से हारे, दूसरा मैच इंडिया से भी हारे, उसके बाद फिर लगातार वो जीते। मतलब जीवन में कई बार आप जब असफल होते हैं, असफल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद कमबैक करना इंपॉर्टेंट है। और जब आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट हो रहा, तब आपके पास भले ही पहले 5 में आंकड़े ना हो, लेकिन आप उस दिन जो है अपने आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ऑस्ट्रेलिया ने कल अपना बेस्ट देने की कोशिश की, इसलिए वो इंडिया को हरा पाया, अदरवाइज इंडिया को हराना नामुमकिन था। तो हम ये बोल सकते हैं कि जीतने वाले घोड़े और हारने वाले घोड़े में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क होता है, तो उसमें कोई ये नहीं कि श्रेष्ठता कि वो श्रेष्ठ है। यदि डेटा देखोगे, सारे आंकड़े देखोगे, हर प्लेयर को देखोगे जो है वो, तो मालूम चलेगा कि भारत की टीम से भारी टीम तो दुनिया में कोई नहीं है। पर सच्चाई ये है कि एक मुकाबला जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुकाबला था, जिसको हम जो है वो हार गए। लेकिन मुद्दा ये है कि इस हार से भी एक सबक मिलता है कि हर मैच जो है वो हमारे लिए जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। और कल का फाइनल मैच में मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा प्रेशर रहा प्लेयर पे, और रहता है, और वो प्रेशर मालूम कौन बिल्ड करता है, वो आप और हम बिल्ड करते हैं। इतने सारे दर्शक, इतने लोग होते हैं जो, इतने सारी उम्मीदें होती है, पूरा मीडिया बोल रहा है इंडिया इंडिया, मोटिवेट करना अच्छी बात है, पर ओवर एक्सपेक्टेशन करना कई बार जो है वो बुरा होता है। इसलिए मैंने देखा हुआ, सुबह ही एक पोस्ट डाला था मैंने कि क्रिकेट एक खेल है, जीतेंगे हम, पर यदि हार भी गए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
टीम ने हमारा दिल जीता है। मैंने आपको इतने सारे आंकड़े दिए और ये आप आईसीसी वर्ल्ड कप की साइट पे जाके देख सकते हो कि कैसा परफॉर्म किया हमारे टीम के बॉलर्स ने, बैट्समैन ने, बैटर्स ने, सबने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। सिर्फ एक मैच हमारी टीम को कमजोर नहीं बनाता है, ये बात है लर्निंग लेसन सीखी हमारी टीम ने कि हाँ जब जरूरत पड़े तो आपको जमकर खेलना। कल खेल अफेक्ट हुआ और मैं मानता हूं कि कल के खेल में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि दो तीन प्लेयर हमारे जो है वो समय पर जो है उनको मौका नहीं मिल पाया। किस या हम ऑस्ट्रेलिया की किस्मत बोले या हमारे प्लेयर्स का के ऊपर हाई प्रेशर को बोले हम जो भी बोले, कल यदि शुभमन गिल चल गए होते, श्रेयस अय्यर चल गए होते, केएल राहुल को मौका मिलता, विराट कोहली बोल रहा होते, ठीक है, तो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटी, कहानी कुछ और होती। लेकिन खैर तब भी हमारी टीम दुनिया की बेस्ट टीम में से एक है। कंगारू जीते जरूर है लेकिन उनको भी मालूम है वो कि किसको हराया उन्होंने। मुद्दा वो है कि जीतने वाला भी जो है वो हारने वाले की कदर करने लगे कि भाई साहब हमसे तो हार तो गए हो लेकिन हम जनता से मन से जा रहे थे अब कि बात बड़ा बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, जब भी कभी बेटा है ना लाइफ में याद रखो ऐसा ही कुछ नीट में होता है एग्जाम में। साल भर पढ़ते मॉक टेस्ट बढ़िया गया, मॉक टेस्ट में टॉप किया, मॉक टेस्ट में टॉप किया, अंडर फाइव आ रहे नीट में आ गया, रैंक ही नहीं आया तो मन को बड़ा खराब लगता है। और वो इसलिए नहीं होता कि आप पढ़े रहिए, इसलिए नहीं होता, इसलिए होता है वो कि आप प्रेशर में आके गलत करके आते। इसलिए वीकली टेस्ट को एग्जाम समझ के दिया करो, हर टेस्ट को बिल्कुल एग्जाम समझा था कि एग्जाम को भी टेस्ट समझ लो और तुम अच्छा करके आओ, प्रेशर में ना हो। तो इस तरह के जो मैसेज है कि जो टीम के बारे में या नेपोटिज्म के बारे में सब गलत है बेटा। अरे आप किसी प्लेयर की हिस्ट्री उठा के देखोगे बहुत संघर्ष के बाद वो पहुंचा है वहां पर। यदि ऐसा होता नेपोटिज्म होता तो अर्जुन तेंदुलकर खेल रहे होते इंडियन क्रिकेट टीम में, कई सारे प्लेयर्स के बच्चे हैं वो खेल रहे होते। ये बॉलीवुड नहीं है, क्रिकेट है, यहां पर जो है वो टैलेंट ही, क्योंकि आपको लोगों के सामने प्रदर्शन करना पड़ता है। बल्ला लेके आप ऐसे ही नहीं घूम सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी करके। आपके जो फिल्म स्टार होते हैं उनके तो कई एक शॉट को लेने के लिए 50 बार रिटेक होता है, क्रिकेट में रिटेक का मौका नहीं होता है, रियल टाइम प्लेयर आप वहां होते हो। तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर प्लेयर्स एंड वी स्टैंड विद अवर टीम इंडिया कि नहीं कोई बात नहीं, एक मैच हारे ना हम तब भी हम नंबर दो पे, हमारे प्लेयर्स नंबर एक पे और हमने खेला बिल्कुल नंबर एक जैसा था कि नंबर एक वाला जो जीता है उसको भी एक बार हरा चुके थे हम, तो वर्चुअली तो हम जो है वो एक बार के विनर तो हम है ही, तुमको हम हरा चुके थे एक बार। खैर जो भी है, मन के संतोष के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, बोल रहा हूं कि देखो बेटा क्या है, सोच तो सकारात्मक रखनी पड़ेगी वो, और ये जीवन में भी अपनाना पड़ेगा आपको कि कुछ गलत किसी के साथ हमारे डियर वन के साथ में गलत कुछ हो जाता है, कुछ गलती उससे हो जाती है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। हम झट से उनके खिलाफ हो जाए वो चीज ठीक नहीं है। जितना आप और हमको दुख नहीं हुआ ना उससे कई गुना अधिक दुख उनके परिवार को और प्लेयर्स को हुआ है, उनकी पूरी टीम को हुआ है। ग्राउंड पे कल वो कैसे खड़े होंगे वो आप सोच सकते हैं, जैसे अपन नीट का एग्जाम आता है और नंबर ना आए कुछ आज कैसा लगता है। इसलिए हमेशा प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, ट्राई करो बेस्ट के लिए और अपने आप को भी तैयार रखो कि कुछ बेस्ट होगा तो भी कैसे संभालेंगे अपने आप, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा आपने कि हाँ किसी सूरत में हारे नहीं है, हम जीते ही हैं, ठीक है, चलिए हैव, क्योंकि जीतते हैं या फिर सीखते हैं, हार की कोई चीज होती नहीं है। ऑल द बेस्ट।